बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। सुबह के 8 बज चुके, 8:30 हो चुके हैं और सुबह मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आज जो ओवन में तंदूर वाली रोटी बनेगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे फ्लावर, यही मैदा है, आपको डालती हूँ बोल में। 1 कप, 2 कप, 3 कप और 4 कप, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ, इतना सा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इतना सा, आधी चम्मच, थोड़ा सा कहना इसकी खुशबू के लिए, इसका एक अपना टेस्ट होता है, अपनी खुशबू होती है। और साथ 1 चम्मच बटर शुगर की याद ही है, लेकिन 1 चम्मच ये और थोड़ा सा वेजी ऑयल, एटलीस्ट 2 चम्मच, और साथ इसके जाएगा दही, आधा कप था। और अब इसको वार्म वाटर से धुल लेती हूँ। बताना बोल के थोड़ा सा ड्राई ईस्ट, बिल्कुल थोड़ी सी, अब अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। और फिर गर्म पानी से मैं इसको गूंद के मैं इसको ओवन में रख दूँगी, और आज मैं दिन को जब पकाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। अभी सुबह सुबह है तो पहले मैं इनका आटा गूंद लूँ। आटा मैंने गूंद लिया है, एक हाथ से गूंद लिया जी आटा, और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो अब मैं इसको बंद करके रख देती हूँ। तो मैं हाथ धो के इसको मैं ओवन में रखूँगी। जी तो यहाँ पे आटा मेरा रेडी हो चुका था, रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं जल्दी, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, बस थोड़ी सी मैं रिकॉर्ड कर सकी, मेहमान आ गए थे और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये देखें जी, मैं रोटी बनाना शुरू कर दिया है, मैंने 6 रोटियां पकाई हैं, 6 या 7 पकाई हैं, लेकिन बहुत अच्छी मसाला बनी है। ये देखिए जी कितनी अच्छी लग रही रोटी, माशाल्लाह से रेडी हो रही है, सेब पूरी है। ये देखें जी बहुत अच्छी बनी है, सारी रोटियाँ तैयार हो चुकी हैं, और ये मेरे घर की फैमिली बैठी हुई है, खाना खा रहे हैं सब खामोशी से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अल्लाह हाफिज़।